रांची के धुरुआ इलाके में बन रहे स्मार्ट सिटी का विरोध रांची के राजभवन के पास वहां के स्थानीय लोग कर रहे हैं। द फॉलोअप ने आपको पिछले दिनों एक रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह से सुहानी सांगा नाम की एक लड़की जब कॉलेज गई थी और जब लौट कर आई तो देखी कि उसका घर तोड़ दिया गया है। सुहानी सांगा की बात और उसकी भावनाओं का इतना असर हुआ कि पूरा आदिवासी समुदाय गोलबंद हो गया है और करीब 11 संगठन मिलकर आप देखिए इस वक्त रांची के राजभवन के पास पहुंचे हैं और यहां पर धरना दे रहे हैं। तमाम जो इनके हाथों में पोस्टर है आप देख सकते हैं कि रांची स्मार्ट सिटी द्वारा अवैध निर्माण पर रोक लगाओ, रांची रेलवे, रांची के विस्थापितों का पुनर्वास करो, ये तमाम पोस्टर बैनर के साथ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग से बात करते हैं। देखिए सुहानी जी का बात का तो असर निश्चित तौर पर हुआ है, क्योंकि हमारा जो आदिवासी परिवार है उनका घर टूट रहा है और उस घर का टूट रहा है उनका जो आंसू है वो पूरा तमाम संगठनों के दिलों में एक जगह बनाया है। लेकिन उससे बड़ा भी दर्द हमारे बीच में है, क्योंकि हम HEC को बनाने के लिए हजारों हजार एकड़ जमीन हम 1962 में दिए थे और इस उम्मीद के साथ दिए थे कि HEC बनेगा तो हमारे लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा, यहाँ बुनियादी सुविधा हमको मिलेगी। लेकिन यहाँ इतना दिन होने के बाद जो यहाँ पर हाल है HEC का वो बहुत ही दयनीय हाल है और HEC आज जो है मरणासन के कगार पर है और हम ये होने नहीं देंगे। आज HEC का अस्तित्व को बचाने का सवाल है और इसीलिए हम लोग स्पष्ट जो है मांग करना चाहते हैं महामहिम राज्यपाल जी से कि आप त्वरित कार्रवाई करें। आप हमारे गार्जियन हैं, आदिवासियों के गार्जियन हैं, यहाँ के लोगों के गार्जियन हैं और आप यहाँ पर त्वरित कार्रवाई करिए। हमारा घर टूट रहा है, हमारा जमीन छीना गया, हमारा रोजी रोजगार छीना जा रहा है, हम HEC से भी जा रहे हैं, हमारा जमीन से जा रहे हैं, तो इसलिए आप त्वरित कार्रवाई करें और एक जो है उच्च स्तरीय वार्ता के लिए तमाम विस्थापितों का सवाल, चाहे एयरपोर्ट का सवाल हो, चाहे रेलवे का सवाल हो, चाहे HEC का सवाल हो, चाहे डिफेंस का सवाल हो, तमाम विस्थापितों के सवाल पर हम लोग आज जितना भी संगठन देख रहे हैं आप करीब 12 संगठन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये कारवा बढ़ रही है और इसीलिए ये जो संघर्ष हम लोग नहीं चाहते हैं कि एक टकराहट हो प्रशासन के साथ, इसीलिए हम राज्यपाल महोदय से आग्रह करने आए हैं कि आप जो है त्वरित कार्रवाई करें और एक उच्च स्तरीय बैठक का जो है आयोजन करें जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल महोदय खुद करें और हमारी दुख और दर्द को आप समझें और कैसे इसका निराकरण हो सके इसको आप देखें। ये जो है हमारा स्पष्ट मांग है। दूसरा मांग कि हम लोग जो है HEC परिक्षेत्र में जो भी काम हो रहा है, चाहे स्मार्ट सिटी का काम हो चाहे अन्य कोई भी काम हो, उसको तुरंत जो है रोक लगाया जाए और एक वार्ता के बाद ही उस पर हम लोग आगे का निर्णय लें, ये हमारा स्पष्ट मांग। देखिए हम लोग स्पष्ट जो है कहना चाहते हैं, चाहे सुहानी जी का घर हो, चाहे जो भी हमारा जो विस्थापित परिवार है जिनका पुनर्वास नहीं हुआ है, जो सदियों से घर बना के रह रहे हैं, उनका घर किसी कीमत पर हम लोग टूटने नहीं देंगे। और जो स्मार्ट सिटी का जो काम है, अगर सरकार, हमारे राज्यपाल अगर हमारी बातों को नहीं सुनते हैं तो हम लोग सब कोई मिल के जाएंगे और काम को भी बंद कराएंगे और हम लोग जो है यहाँ स्पष्ट जो है हमारा आंदोलन और मजबूत होगा और भी संघर्ष तेज होगा। लेकिन हम मानेंगे नहीं, अब रुकने वाले नहीं हैं, हम आर पार की लड़ाई में आ गए हैं। देखिए आज हम लोग महामहिम राज्यपाल के पास में HEC एयरपोर्ट, रेलवे और फौजियों के द्वारा जो अधिग्रहण किया हुआ जमीन है उसके एवज में हम लोगों को बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को रखने के लिए गुहार करने के लिए आए हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बन रहा है जहां कि हमने लोहा कारखाना के लिए ज़मीन दी थी, लेकिन आज कारखाना नहीं रहने से जो हमारा सपना जो दिखाया गया था सरकार की ओर से कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिलेगी, लेकिन स्मार्ट सिटी तो धुआं मुक्त सिटी बनेगा और इस सिटी जो बनेगा इसके होने से HEC का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और स्मार्ट सिटी जहां बनेगा, जो हमको कारखाना में नौकरी मिलना था और वो स्मार्ट सिटी में मेरे लोगों को दाई धांगरीन और मजदूर का काम मिलेगा, हम तो ये जानते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि मेरा जो कारखाना बंद ना करे, स्मार्ट सिटी का निर्माण ना करे और जो मेरे पूर्व में विस्थापित भाई लोग जो हैं, जितने रैयत हैं, उनका मालिकाना हक भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है जमीन का कागजात। तो इन तमाम मांगों को लेकर के साथ ही साथ हमारा सामाजिक व्यवस्था तब बिगड़ गया था और आज हमारा सामाजिक व्यवस्था वहाँ दुरुस्त नहीं है, स्वास्थ्य का नहीं है सुविधा, शिक्षा का सुविधा नहीं है, बहुत सारी सुविधा नहीं है, वो कायम रखने का काम करे। मेरा जो सामाजिक, धार्मिक और जो पारंपरिक स्थिति जो बिगाड़ने का काम किया स्थिति, इस तरह का स्मार्ट सिटी निर्माण करके हमारा जो
सपना चूर करने का काम कर रहा है ये सरकार के माध्यम से, सरकार के नुमाइंदे के द्वारा, तो ये नहीं चलेगा। इसलिए हम पांचवें अनुसूचित क्षेत्र के जो मालिक हैं, जो आदिवासी का जो गार्जियन है महामहिम साहब के साथ, हम लोग गुहार लगाने आए हैं। सुहानी की बात के बाद कितना आंदोलन जोर पकड़ा? सुहानी के जो घर तोड़ा गया, निश्चित रूप से देखिए वो विस्थापित परिवार है और वर्षों से यहाँ रहते आ रहा है। आज उनका जो घर तोड़ा गया और ये चिंता का विषय है। उसके बाद निश्चित रूप से ये देश और विदेश तक ये आवाज़ उठी है, जरूर ये आंदोलन का रुख को मजबूत करेगा। और आगे हम लोग तमाम 11 संगठन 12 संगठन आज सामाजिक संगठन है और विस्थापित के मुद्दे पर लड़ने वाले संगठन है, सब एक हो गए हैं और जीत निश्चित है, हमारी मांग सुनी जाएगी। देखिए आज हम लोग जो भी विस्थापन का मुद्दा है उसे लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि यहाँ 20 साल में 21 साल में जो भी सरकारें आई वो सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को विस्थापित करती गई, चाहे रेलवे का मामला हो, हटिया HEC का मामला हो, एयरपोर्ट का मामला हो, या सैनिकों के लिए जो एक्वायर किया जाता है उसका मामला हो। विस्थापन तो हो जाता है मगर पुनर्वास की व्यवस्था नहीं होती है, और जो भी विस्थापित होते हैं उनके लिए उचित जगह नहीं दिया जाता है और पेपर के माध्यम से उन्हें पुनर्वास नहीं किया जाता। आज ऐसे मामले बहुत सारे हैं, जहाँ जैसे सतरंजी का मामला है, सतरंजी में लोगों को आज तक पट्टा नहीं मिला है, तो इस तरह से है। और अभी जो हम लोग बैठे हैं तो हम लोगों का एक मामला ये भी है कि हम लोग HEC को बचाना चाहते हैं। HEC को बचाएंगे तो भी हमारे लोगों की नौकरियां बचेगी, और अगर सरकार HEC के लिए ज़मीन एक्वायर की है तो HEC के लिए ही रहना चाहिए, उसे स्मार्ट सिटी बनाकर हमें बर्बाद करने या बिगाड़ने का प्रयास ना करें। हम लोग HEC विस्थापित वाले लोग हैं, हम लोग को विस्थापित कर चुका है, ऊपर से फिर विस्थापित करना चाहता है, हम लोग घर को हटाना चाह रहा है। ज़मीन एक तो लूट लिया, ऊपर से बोलता है पैसा देंगे, ज़मीन देंगे, अभी तो कुछ दिया नहीं है। एक बार विस्थापित किया है, बार बार कितना विस्थापित करेगा? अभी स्मार्ट सिटी बनाना चाह रहा है, स्मार्ट सिटी हम लोग रहेगा तो क्या हम लोग कुछ फ़ायदा होगा? हम लोग जो आदिवासी लोग हैं छोटे परिवार के, हम लोग तो कीड़े मकोड़े बन के रह जाएंगे। बड़े बड़े यहाँ शहर के ये अधिकारी लोग आके वहाँ बस रहे हैं, तो क्या सिर्फ वही लोग के लिए है? हम लोग HEC को हम लोग ज़मीन दिए कि वो कारखाना चलाए, हम लोग को एक जीने का जरिया मिले, पर हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसी तो सुनने में आ रहा है, अभी तक एक है सुहानी लकड़ा, उसका घर टूट चुका है, तो अभी ये स्टार्टिंग है, हो सकता है कि इधर भी करे। उससे पहले से हम लोग पता था कि ऐसा कुछ नोटिस आने वाला है, तो जब उसका घर ऐसा हुआ तो फिर हम लोग को लगा कि अब स्टार्ट हो चुका है तो हम लोग को भी आगे आना होगा। सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि जो स्मार्ट सिटी बन रहा है ये ना बने, और हम लोग का जो जगह ज़मीन है, जो घर है, हम लोग को वही चाहिए ना। हम लोग वहाँ से कभी हटेंगे ना कहीं जाना चाहते हैं, जिएंगे तो वहीं, मरेंगे तो वहीं। तो बुलडोजर लगा के एक बार तोड़ने से क्या हम लोग एकजुट होकर के उसको रोकेंगे? देखिए जो आप देखेंगे धुरवा में, जो कि 1965 के आसपास में जो एक्वायर हुई थी ज़मीन HEC के नाम से, जो एक 1957 में एक ज़मीन एक्वायर हुई थी हटिया में, वो HEC के नाम से। लेकिन आप देखिएगा कि HEC का ज़मीन जो भी कारखाना था आज ठीक से चल नहीं रहा है, लेकिन HEC जिस तरह से देख रहे होंगे कि आज बंद होने के कगार पे है। आप देखिए जगह जगह तरह तरह का ना जाने, वहाँ पर आपका क्रिकेट स्टेडियम बन गया, हाईकोर्ट बन गया, विधानसभा बन गया, अभी स्मार्ट सिटी बन रहा है, ना जाने कितने तरह तरह का उस तरह का ज़मीन का बंदर बांट किया जा रहा है। मैं आप सबों से ये मांग करना चाहता हूँ यहाँ की राज्य सरकार से भी, कि जब तक यहाँ पर जो विस्थापित हुए हैं उनका अगर पूरी बात नहीं होती है, उनका जो भी इच्छा है उसके इच्छा अनुसार का बात नहीं होती, तब तक स्मार्ट सिटी का कार्य को रोकना चाहिए। और इसी के लिए हम लोग विरोध में आज हम लोग यहाँ एक दिवसीय धरना दिए हैं, और आगे भी हम लोग जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in